अरे अतीक के पास ले लिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग इतनी धूप में बैठे हैं और मुझे एहसास है आप खुली धूप में बैठे हैं लेकिन दर्द मुझे हो रहा है, जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं इस कप्तानगंज धरती का रहने वाला हूँ, यहाँ का मिट्टी खाता हूँ, यहाँ की मिट्टी का अनाज खाता हूँ और यही की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। खासकर कुर्दा के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ मेरा बचपन बीता है। आप लोग जानते हैं, जो लोग हमारे चाचा और बाबा बुजुर्ग हो गए हैं वो इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि बचपन फिर याद आता है, बचपन फिर याद आता है। तो खास कर कुर्दा के लोगों से कहता हूँ कि मेरा बचपन ही बीता है, मैं कुर्दा कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा, यहाँ के विकास के बारे में कभी नहीं भूल पाऊंगा, यहाँ के लोगों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कई हमारे ऐसे साथी हैं, मैं नाम गिनाना चाहूँ तो एक तरफ से मैं नाम गिना दूंगा जो मेरे आंखों के सामने है, सबको मैं देख रहा हूँ और सबको मैं पहचान रहा हूँ और जो दूर से भी आए हैं लोग मैं सबको पहचान रहा हूँ। लेकिन अगर नाम गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन बहुत सारा कार्यक्रम लगा है, मुझे कई जगह जाना है और आप लोगों की भी देर हो रही है, सबके पास अपने कुछ न कुछ काम होते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस बार आप लोग अपना काम थोड़ा कम करें, हमारा काम ज्यादा करें और अपना काम आपका हमारा सबका अपना काम ये है कि इस बार हम लोग 3 तारीख को हाथे के बटन पे मोहर लगा के हमको ताकत देने का काम करें, जिताने का काम करें। खासकर हम अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपके बीच में इस वक्त बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप सवाल कर देना उनसे, आपकी हिम्मत है क्योंकि आपका अधिकार है कि आप अपना वोट कहीं भी डाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप जो कहे वही करो, आपका जो मन करे वही करना, लेकिन उनसे सवाल जरूर करना कि आप भी टिकट मांग रहे थे, आप अगर टिकट आपको मिलता तो हम आप लोग का साथ देते। आप दो हमारे दो समाज के हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, भाई निजामुद्दीन भाई और सईद भाई, ये दोनों लोग टिकट मांग रहे थे। आप बताएं, सब लोगों दोनों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी ने क्या दिया आप बताओ? लेकिन हमने बहन जी के आशीर्वाद लिया और बहन जी के पास में जब गया तो बहन जी ने हमारा टिकट कप्तानगंज से घोषणा कर दिया और कहा कि जाओ बेटे तुम चुनाव जीतोगे। और में था जहाँ पर अभी तक विधानसभा प्रत्याशी को पैसों से नहीं तोला गया था, आपको पैसे से तोल कर जनता क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, कुर्दा ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है और वहाँ माइनॉरिटी के लोगों ने हमको बहुत लाड प्यार दिया है, मेरा बचपन वहाँ बीता है। तो बचपन में हम लोग जानते हैं कि 54-58 और 1 रुपये सिक्के से खेलते थे, तो वही प्यार वो लोग वापस करना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने अपना गांव घर मेरे के घर पे चंदा करके और उन लोगों ने इतना प्यार दिया है कि हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते। आपको जब तौला गया था तराजू पे तो आप कितने किलो वजन के थे? 72। क्या इसी प्रकार ऊँटों का वजन भी बढ़ता है? ऊँटा का वजन तो 3 तारीख को पता चलेगा कि कितना बढ़ जाएगा, इसका कुछ दो गुना। आपको जनता के बीच में जाने के लिए कौन कौन से? भाई, हमारा तो मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ के रोड जितने खराब हैं वो व्यवस्था सही हो जाए और दूसरी चीज़ यही कि स्वास्थ्य बढ़ेगा हमारा मुद्दा, क्योंकि बदनाम जैसे बड़े बाजार में आज तक हॉस्पिटल नहीं बन पाए, कप्तानगंज बाजार में जो हॉस्पिटल है उसमें जाँच की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा और। आपका राजनीति से देखा जाए तो कोई संबंध नहीं था, फिर आप किस नेता से प्रभावित होकर राजनीति में? देखिए, किसी नेता से प्रभावित होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र की दिशा और दशा इतना बदतर हो गई है, जो और विधानसभा के लोग बाहरी लोग यहाँ पे आके जो है चुनाव लड़ते हैं, हमारे विधानसभा को सिर्फ चुनाव के ही माध्यम से देखते हैं, बाकी विकास की तरफ नहीं देखते। तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई जब कोई इस तरह से हमारे विधानसभा में नहीं है कि जो अपने क्षेत्र का हो और चुनाव लड़े, तो मैंने ही हिम्मत किया कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। मुझे किसी नेता से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है ना तो इस तरह, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा हूँ, यहाँ पर जितना भी बदतर हालत है उसको देख के ही मैं हिम्मत किया हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। कल आपका कार्यक्रम 2 बजे था, लोगों की माने तो आप 12:30 बजे ही पहुंच गए थे, कि आप जीतने के बाद चुनाव भी पहले आएंगे ऐसे? देखिए, ऐसा है कि वहाँ जो कार्यक्रम लगा था तो मैं बहुत खुश था कि मैं अपने
जहाँ पे मैं बचपन गुजारा हूँ वहाँ पे आपका कार्यक्रम है, तो मुझे बहुत खुशी थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं टाइम से पहले पहुँचा।